एवरी वन वेलकम टू करियर कैंप और आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज पे यस इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेस स्टूडेंट और अ बिजनेस पर्सन अ मैन और अ वमेन ठीक है तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इवन जो आप सब्जेक्ट्स भी चूज़ करेंगे वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द होंगे और स्पेसिफिकली हो सकता है इन्हीं टॉपिक्स पे आपके सब्जेक्ट्स हों तो आज हम शुरू जब करेंगे तो हम बात करेंगे कि जब आपको बिजनेस आप शुरू करते हो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है और कुछ चीजों की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है उनमें से एक है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है कि वो हम बेस में पढ़ते भी हैं मेट्रिकुलेशन तक मैथ्स हमारे बहुत जरूरी होता है तो जब मैथ्स की बेसिक्स कवर कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ चीजें होती हैं स्पेसिफिक बिजनेस मैथ्स आ जाता है और कुछ इस तरह से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि फाइनेंशियल uh, uh, जो हमारे जितने मैटर्स होते हैं उनको और बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है तो मैथमेटिक्स आपको इस तरह से बिजनेस में हेल्प करेगा फिर हमारे पास आ जाते हैं इकोनॉमिक्स जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाता है मार्केट के हवाले से आप स्टडी करते हो फिर आपको सप्लाई और डिमांड के बारे में समझाया जाता है आपको बताया जाता है प्राइसिंग क्या होती है इन सब चीजों के बारे में जब आप डिस्कस करते हो जब आप पढ़ते हो और नॉलेज आपको मिलता है तो इन सब चीजों को एक सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट उसको कहा जाता है उसका नाम है इकोनॉमिक्स और जब हम बात करते हैं आपके बेसिक मार्केट को स्टडी करने की सप्लाई आपको पता होना चाहिए सब सप्लाई के बेसिक्स क्या होते हैं और डिमांड क्या होती है मार्केट को किस तरह से रीड किया जाता है मार्केट में क्या चीज कैसे चल रही है उसकी प्राइसिंग क्या होती है रेट्स क्या होती है आप किस तरीके से उनको सप्लाई करते हो और फिर आप जब आगे देते हो किस डिमांड के बिहाफ पे आप वो चीज आगे दे रहे हो तो इन सब चीजों की नॉलेज जो होती है ये सब चीजें एक जो कोर्स सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स उसमें आ जाती है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीजों की समझ आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है उसमें आप डिफरेंट फाइन

किस तरह से बना सकते हो फिर आपको कैश फ्लो जो है उस चीज के बारे में आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो और जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको ये भी पता चल जाएगा आप उसको असेस कर सकोगे कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है आप इसको बेहतर किस तरह से कर सकते हो और कहां कहां मार्जिन है इम्प्रूवमेंट का फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आपके पास सब चीजें हैं और आप बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हो जो कि मैनेजमेंट में आता है तो आपको किसी चीज़ का उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा आप फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकोगे अपने बिजनेस आइडिया की और अपने भी आपकी जो मेहनत है उसकी आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है उसकी मैनेजमेंट उसके बिहेवियर को स्टडी करना इज ग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल इफ़ यू ओन अ बिजनेस और इफ़ यू रन अ बिजनेस फॉर समान क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में किस किस किस्म के मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं जिनकी कोई स्ट्रेंथ्स है उनको मजीद कैसे पॉलिश करना है और अगर वीकनेसेस हैं तो उससे कैसे उसको बेहतर करते जाना है कि वो वीकनेसेस कम और अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू आपकी कंपनी को फायदा पहुंचाए फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल होते हैं आपको जब उन सब चीजों का पता होगा तो आप बेहतर तरीके से अपनी कंपनी रन कर सकोगे आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि जो इन केस बाय लॉ भी हो सकता है कि बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो तो जब मैनेजमेंट की बात आती है उसमें ये सब चीजें होती है फिर हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है जब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ मैं आपको अगर चीजें सही तरीके से नहीं बताऊंगी तो आप कहेंगे कि मैंने पूरी वीडियो देख ली है बिजनेस पे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया तो यही चीज अगर आप एक ऑनर हैं अगर आप बिजनेस किसी के लिए चला रहे हैं या खुद चला रहे हैं आप जब तक अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आपने उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं वो पूरे तरीके से उस पर अमल नहीं कर सकेंगे और आपको अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके साथ कभी उस तरह से कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि उनको पता चले कि अच्छा दिस इज हाउ आई एम सपोज टू वर्क या ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड ऑन पॉज भी ले लूंगा तो इट्स फाइन क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर रही चीज़ तो यहाँ पे ये चीजें भी बहुत कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर आपने बिजनेस में आना है क्योंकि बिजनेस में आपको पूरी टीम को हैंडल करना पड़ता है आपको सप्लाई चेन देखनी पड़ती है आपको डिमांड देखनी पड़ती है तो बेसिकली आपको हर तरह के लोगों से मिलना भी पड़ता है और कम्युनिकेट भी करना पड़ता है फिर आ जाता है बिजनेस ओनरशिप और स्ट्रक्चर जब आप बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस सिर्फ एक किस्म का नहीं होता है बिजनेस में तीन किस्म अगर आप बेसिक अगर बात करो जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है अगर आप उनको तीन चीजों में डिवाइड करो तो उसमें पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप जिसकी मतलब जिसको कहा जाता है कि आप अकेले उस बिजनेस को रन कर रहे हो जैसे कि अगर आप कहें कि किसी के पास हु ओन्स अ जर्नल स्टोर या फिर अगर कोई एक छोटा सा उसने कोई बिजनेस चलाया हुआ जहाँ पे उसको बड़ी टीम रिक्वायर्ड नहीं है वो खुद से हर चीज हैंडल कर रहा है इवन इफ़ सम पीपल अंडर हिम फिर भी वो ज्यादा जो मेन ऑपरेशंस हैं वो अप खुद ही अपने ही बलबोते पे सब चीजों को रन कर रहा है तो ये होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और फिर दूसरी किस्म आती है जहां पे आ जाती है पार्टनरशिप पार्टनरशिप में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जो कि उनमें कुछ साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं साइलेंट पार्टनर का मतलब होता है कि मे बी वो आपको फाइनेंशियल जो है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं लेकिन वैसे उनका कोई रोल नहीं है या हो सकता है कि वो वैसे आपके इक्विटी या उसमें पार्टनर हैं बट दे डोंट एक्चुअली ओन अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होने या ना होने से कोई फर्क पड़े ठीक है तो उनको भी साइलेंट पार्टनर्स कहा जाता है तो बाकी जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो बेसिकली परसेंटेजेस में डिवाइड होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती हैं तो ये भी एक किस्म होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्टनर्स जो हैं वो चला रहे होते हैं ठीक है थीके? और ये पार्टनर्स चेंज भी होते रहते हैं डिपेंड्स वो आप किस तरह सेटल डाउन करते हो एक पार्टनर अगर निकलता है तो उनकी क्या परसेंटेज होती है उनके हिस्से में क्या क्या चीज़ आ रही है हाउ डू यू सेटल दैट डाउन और फिर आप अगर नए पार्टनर्स ले रहे हो तो वो आप किन टर्म्स पे लेते हो तो इस चीज़ के आपको बेसिक इसके लॉज की और इसके जो बेसिक रूल्स हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो हो सकता है कि आपको भी धोखा मिल जाए या आप भी सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अदा करें और किसी का नुकसान हो जाए और फिर चीज आती है कॉपोरेशन कॉरपोरेशन जो होती है वो बेसिकली बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं कि जिनमें सिर्फ एक या चंद पार्टनर्स से काम नहीं होता बल्कि उनमें बेतहाशा जो है आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को भी कई लोग रन कर रहे होते हैं जैसे अगर हम एक ऐसे टेक्सटाइल की बात करें या फिर इवन फर्नीचर की बात करें तो उसमें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलहदा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलहदा होगा डिजाइन डिपार्टमेंट अलहदा होगा आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट को भी अगर रन करना है तो उसमें भी एच के लिए मे भी उन्होंने अलीहदा से एक ऑफिस बनाया हो और जो आपकी फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन हाउस में उनका एच का अलहदा बिल्कुल ऑफिस हो तो ये चीज़ें जो हैं अब एच की अगर मैं बात करूं बिजनेस में एचआर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है एचआर इज ह्यूमन रिलेशनशिप तो आपको पता चलता है कि आपने किस जो एक बेसिक लॉज हैं कि जिसके बेस पर आप लोगों को हायर भी करते हो उन लॉज पे आप लोगों को इनकम भी दे रहे हो और फिर उनके क्या राइट्स हैं और आपके उनके ऊपर क्या राइट्स हैं ये सारी चीजें भी उनके अंडर आती हैं क्योंकि अगर कहीं पे भी ऊंच नीच हो जाए तो लॉ जो है जो आपका है वो उसके अंदर हिस्सा बन जाता है और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि आप लॉज के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहे हो तो एच जो है एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है हर कॉपोरेशन में होता है हर कंपनी में होता है जिसकी जहाँ पे मेम्बर्स कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो काम है ये जरूर पूरे हो रहे होते हैं हर जगह तो अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस में जाना है या आप बिजनेस पढ़ना चाहते हो तो अगर तो आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं देन इट इज वेरी गुड अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं यू शुड गो टू बिजनेस अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है अगर उसमें फिर मार्केटिंग आ गई है कि बिजनेस मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर मार्केटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं अब कॉन्सेप्ट जो हैं प्रिंसिपल्स फिर भी कुछ हद तक हमारे सेम रहते हैं बट जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्कुल डिफरेंट होती थी वर्ड जो है उसकी बहुत वैल्यू होती थी कि आप एक बंदा अगर आपसे कोई चीज ले रहा है वो जो बताएगा यार इसका सामान बहुत अच्छा था इसका माल बहुत अच्छा था या इसने वो सर्विस दिया वो बहुत अच्छी थी तो फिर इस तरह फैलता फैलता जाता है ठीक है या फिर बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती थी पुराने जमाने में तो वहाँ पर लोग लोगों को खड़ा करते थे

टेक्स्ट मैसेजेस या फिर कॉल्स मिलती हैं ये सारे बिजनेस के आपके तरीके हैं और अब कुछ जगह ऐसी हैं बाहर ज्यादातर ये पॉलिसीज हो रही हैं कि जो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें आप किसी की प्राइवेसी को या किसी की परमिशन के बगैर आप उन को डिस्टर्ब कर रहे हो सो दैट इज़ अगेंस्ट लॉ यस तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं बल्कि हमारी कोशिश है कि हम जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और किन वो किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं और ये किस तरह से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज कर देगी मतलब दिस इज दिस विल हैव अवज इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव द नंबर एंड यू टेक्सट दैम आपने उनसे पहले पूछा नहीं है कि क्या मैसेज यूँ या आप इस टाइम आप किसी भी टाइम उनको मैसेज कर देते हो मे बी दे आर इल मे बी दे आर ईटिंग तो ये सारी चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कॉन्सेप्ट्स में लॉज में आ जाता है तो इन सारी चीजों की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है फिर आपको मार्केट रिसर्च का पता होना चाहिए आप जब तक मार्केट सर्च नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा यार मैं तो यहाँ पर ये घड़ी बेच रहा हूँ ठीक है आपकी घड़ी में दो चीजें हैं बट आप जब तक मार्केट नहीं सर्च करोगे आपको पता नहीं चलेगा अच्छा यार बाकी जो मेरे कंपेटेटर्स हैं वो तो जो घड़ी बेच रहे हैं वो तो वाटर भी है अच्छा वो तो मटीरियल भी ऐसा कि आप गर्मी में भी पहनो तो आपकी कलाई जो है, वो पसीने से नहीं भर जाएगी मार्केट तो 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 so uh, uh, रीड नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस बजट पे दे रहे हैं वो किस कंज्यूमर को दे रहे हैं और सॉरी और वो कहा से ले रहे हैं माल हो सकता है आप जहां से अपना सप्लाई ले रहे हो वहां से और कि मार्केट में जो चल रहा है उससे बड़ा फर्क हो तो ये सारी चीजों का होमवर्क करना भी पहले बहुत जरूरी है ताकि आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम से कम रहे फिर हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स इन बिजनेस क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो इट मीन्स कि आप किसी कंज्यूमर की कोई नीड पूरी कर रहे हो आ वो आप एक प्रोडक्ट के थ्रू कर रहे हो या सर्विस के थ्रू कर रहे हो तो आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपने जिस कंज्यूमर को जिस बंदे को टारगेट किया है उसका लाइफ क्या है आप जब उसका लाइफ पढ़ोगे कि अच्छा मैंने चॉकलेट बनाई है और ये ऐसे आलमंडस हैं इसमें और ये है तो ये बड़े ऐसे ऑर्गेनिक है आप अगर वो उस कंज्यूमर मार्केट में ले जाओगे जहां पे पीपल डोंट हैव इनफ टू स्पेंड ऑन चॉकलेट अलोन और ऊपर से आप उनको कह रहे हो कि नहीं नहीं ये ऑर्गेनिक है इसके अंदर नट्स भी हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है भाई वो तो खाली चॉकलेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सो हाउ वुड दे योर ऑर्गेनिक नट्स वाली चॉकलेट तो आप को कंज्यूमर को रीड करना बहुत जरूरी है फिर आप ऐसी कंज्यूमर मार्केट में अगर चले जाओ कि पे पीपल पीपल आर हैव गुड लाइफ स्टाइल पीपल है आसपास की दुनिया में हॉबीज होना भी इज अ लग्जरी नाउ कि आपके पास इतना टाइम निकल रहा है अच्छा आप नौकरी भी कर रहे हो या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो खेल कूद भी रहे हैं वहा मतलब ये जो मिडिल क्लास है ज्यादातर उधर लैक करती है ये चीज तो वहां पे अगर आप जाओगे वही आप माँ माँ बाप को या बच्चों को दोगे चॉकलेट दिस इज ऑर्गेनिक या आपका बिल्कुल अच्छी होममेड है और दिस हैव दिज नट्स जो कि इस इस तरह से इसमें ये बी सिक्सटीन है जो भी है आपके ये मैग्नीशियम वगैरह ये चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाएंगी डाइटरी नीड्स यस दे विल स्टॉप राइट देयर एंड पे अटेंशन टू वट यू आर सेलिंग बिकॉज देयर लाइफ स्टाइल अलाउज देम टू स्पेंड अ बिट मोर एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट देर हेल्थ वो किस तरह से बिकॉज दे हैव टाइम एंड दे हैव रिसोर्सिस टू स्पेंड ऑन इट तो आपको जब तक मार्केट का नहीं पता होगा कंज्यूमर का नहीं पता होगा यू कैन नॉट ओन अक्सेसफुल बिजनेस तो ये चीजें आई होप आपको किसी तरह से हेल्प करेंगी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में कि आपने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं तो क्या सोच के लेने हैं और अगर आप बिजनेस में जाना चाह रहे हो तो डू यू रियली हैव अक फॉर इट अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है अगर आप उस तरह से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या फिर आप लोगों को जज नहीं कर पाते हो कि किस में कौन सी क्वालिटी uh, है या कौन किस तरह से कर पाएगा और अगर आप से बाहर अगर आप इंट्रोवर्ट हो यू कैन नॉट रन आई रादर से आप उस तरह से एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले में उस तरह से बिजनेस अच्छा रन नहीं कर सकोगे मे बी यू कैन सप्लाई समथिंग टू अ गुड बिजनेस पर्सन घर में बैठ के बट नॉट ओन योर ओन बिजनेस क्योंकि उसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा सेलर से मिलना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपने बिजनेस की लाइन में जाना है सो आई होप यू लर्न समथिंग हम इंशाल्लाह इसके पार्ट टू में और डिस्कशन करेंगे मजीद डिटेल्स में और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे इन और हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमने जैसे बिजनेस से रिलेटेड लोगों से इंटरव्यूज़ भी किए उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली बिजनेस लाइफ में क्या चीज़ें जरूरी होती हैं कौन सी स्ट्रेटजीज पे उन्होंने अमल किया था उनको कौन सी मुश्किलें पेश आई थी तो उसके लिए आप ये इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो कॉमेंट बिलो इफ यू हैव एनी सजेशनस and press the bell icon till next video allah hafiz bye